हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है एनवीटी टिकट पर। सरकारी नौकरी का सेगमेंट एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस खास सेगमेंट में बात होगी असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर भर्ती के बारे में। जी हाँ, अगर आपने भी इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और आप लंबे समय से सरकारी नौकरी की भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो बस अब आपका इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि तेलंगाना में असिस्टेंट इंजीनियर की बंपर भर्ती निकली है। लेकिन इस भर्ती के लिए आप कहां पर जाकर अप्लाई कर पाएंगे, कितने सीट्स को भरा जाएगा, साथ ही कौन कौन सी योग्यता ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के जरिए हम आपको वन बाय वन बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। TSPGCL ने असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए करीब 339 पदों को भरा जाएगा। अगर आप भी इसके इच्छुक हैं, यानी अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.tsgenco.co.in यहां जा सकते हैं और यहां जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि आपके पास फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, एप्लीकेशन का प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गया है और आपके पास 29 अक्टूबर तक का टाइम है। तो इसके बाद आपको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी जल्दी वेबसाइट पर जाइए और जाकर फॉर्म भर दीजिए। बात अगर योग्यता की हो तो अगर आप भी असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सिविल में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास बीटेक या बीई की डिग्री होनी चाहिए और वो भी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। ठीक है, अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप अप्लाई करने के पूरी तरह से योग्य हैं। हालांकि हम आपको सलाह देंगे कि आवेदन करने से पहले एक बार जो क्वालिफिकेशन है इसकी डिटेल्स नोटिफिकेशन में जरूर चेक कर लें। नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा या फिर आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बात अगर उम्र सीमा की हो तो जिन उम्मीदवारों की उम्र 18 से 44 साल है वो ही सिर्फ इस भर्ती के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। हालांकि जो रिजर्व कैटेगरी उम्मीदवार हैं उनको उम्र सीमा में भी छूट मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे अपने डिटेल्स अपलोड करेंगे तो उसको फाइनल सबमिट करने के लिए आपको फीस भरनी होगी। फीस है 400 रुपये। ठीक है, 400 रुपये आप जब एप्लीकेशन फीस भरेंगे तो ही आपका फॉर्म फाइनली सबमिट होगा। ठीक है, और फीस ऑनलाइन भरी जाएगी, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म या फिर ऑफलाइन फीस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको इस बात का बेहद अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि आपने फॉर्म भर दिया, फीस भर दिया और वो फाइनल सबमिट भी हो गया, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम के आधार पर होगा। जो भी उम्मीदवार रिटर्न एग्जाम में सेलेक्ट होंगे उनको असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए बुलाया जाएगा। ये सारी डिटेल्स हमने आपको दी तेलंगाना में होने वाली असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर भर्ती के बारे में। अगर आपके पास भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सिविल में बीटेक या बीई की डिग्री है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। इस मौके को नहीं खोना है, 29 अक्टूबर से पहले पहले अपना फॉर्म भर देना है। अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़े या फिर दूसरे करियर से जुड़े ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टिकट। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर आएंगे आपके सामने ऐसी ही एक वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टिकट।